हमारे बीच पवन भाई जो दिल्ली से आए हैं, आप आइए। आप थोड़ा सा यहाँ पर बहुत, आप डॉक्टर भी हैं होम्योपैथिक जी, तो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी वाले, तो आपको टिप्स भी बताएंगे और राज्यों कैसे करना है वो भी बताएंगे। और आप जगह जगह कई जेलों में जा चुके हैं, खास इन्होंने कहा आज मैं जेल में चलूंगा और मैं सब लोगों से मिलूंगा, तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? ठीक है या बहुत अच्छे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसा लग रहा अच्छे नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी पहले कहानी सुनाता हूँ। बचपन में हम सभी ने अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से सुनी होगी ना, तो आज आप सभी का बचपन भी याद हो जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात होती है कि एक राजा होता है, तो वो राजा अपने राज्य दरबार की वो कर रहा होता है, सैर कर रहा होता है। वो पूरा अपना जहां पर प्रजा रहती है उसको देखने के लिए गुप्त रूप में जाता है कि मैं भी तो देखूं मेरी सारी प्रजा सुखी है या नहीं है, या मंत्री झूठ बोलता है। तो अपने राज्य दरबार की सैर कर रहा होता है तो देखता है, आते आते उसे शाम को रात हो जाती है। तो रात हो जाती है तो देखता है कि सब लोग अपना काम धंधा बंद करके, दुकानें बंद करके जा रहे होते हैं। तो बंद करके जा रहे होते हैं तो एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची, वो नहीं जा रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास तीन गुड़ियाएं थी, वो नहीं बिची थी, इसीलिए वो नहीं जा रही, वो वहीं बैठी थी। तो राजा को अच्छा नहीं लगता, राजा पूछता है कि सब लोग जा रहे हैं, रात हो गई, तो ये बच्ची क्यों नहीं जा रही है? तो मंत्री कहता है, राजा साहब ये गरीब लोग हैं, ये जब तक इस बच्ची की सारी डॉल्स गुड़िया नहीं बिछ जाएंगी तो ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसको पिटाई होगी, अगर नहीं ऐसी चलेगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। जब तक इसकी सारी गुड़ियाएं नहीं बिछ जाएंगी ये नहीं जाएगी महाराज। तो राजा को दया आती है, करुणा आती है कि ये तो गलत है, चलो हम ही इसकी गुड़िया खरीद लेते हैं। तो राजा उस बच्ची के पास जाता है कि क्या हुआ बेटे, घर क्यों नहीं गए? तो बच्ची ने कहा, राजा साहब मेरी गुड़िया नहीं बिछी तो मुझे आज खाना नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है मैं आपकी तीनों गुड़ियां ले लेता हूँ, बताओ कितने हो गए? तो बच्ची कहती है कि राजा साहब ये गुड़ियां देखने में तो तीनों एक जैसी हैं, लेकिन सबका पैसे अलग अलग है। एक गुड़िया 100 रुपए की है और दूसरी गुड़िया 1000 रुपए की है और तीसरी गुड़िया 50,000 रुपए की है। तो राजा देखकर हैरान हो जाता है कि गुड़िया देखने में तो समान है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, तो इतना फर्क कैसे है? इसीलिए नहीं बिची होगी तो बताओ इतना फर्क कैसे? तो बच्ची कहती है कि देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक गुड़िया है जो 100 रुपए की है, उसके कान में तार डालेंगे तो दूसरे कान से निकल जाता है, ठीक है, ये 100 रुपए की है। तो बताती है कि दूसरी गुड़िया जो 1000 रुपए वाली है, उसके आप कान में तार डालेंगे तो उसका तार मुंह से निकल जाता है, तो इसीलिए 1000 रुपए की है। तो बताती है कि तीसरी गुड़िया इसके कान में तार डालते हैं तो वो ना मुंह से निकलता है ना कान से निकलता है, वो अंदर ही रह जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि आज हम आप सभी में भी वो तीन प्रकार की गुड़ियाएं देख रहे हैं और बैठी भी हैं, मतलब कि हम जो आपको आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो कुछ तो अपने ही कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, यही झाड़कर पल्ला निकल लेंगे। दूसरे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो आज उनको बहुत अच्छा लगेगा तो इस कान से सुनकर अपने मुख से आपस में बातें करेंगे कि ऐसा था, वैसा था, ये था, अच्छा था, तो फिर उसके बाद वो भी 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे। तीसरे लोग ऐसे बैठे हैं कि जो आज की बातों को सुनकर वो ये दृढ़ प्रतिज्ञा यहीं पर कर लेंगे कि मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है। कहानियां तो मैंने बहुत सुनी है लेकिन मैंने कभी उनको अमल में नहीं लाया, कभी अच्छी चीजों का स्मरण नहीं किया, तो आज मैं जेल में ये जिंदगी काट रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपना जीवन परिवर्तन कर लूं, एक मिसाल बन जाऊं,
कि लोगों को मेरे जीवन से इंस्पायरेशन मिले, परिवर्तन से मेरी सजा भी माफ हो गए और लोग भी मुझे देखकर अच्छे बन जाएं। तो वो तीसरी गुड़िया, तो हम अपने आप को देखें कि हम जीवन तो जी रहे हैं और जीवन जीने के लिए ऊपर वाले ने हमें दिया है, लेकिन हम इन विकारों के बस अपने इस जीवन को व्यर्थ गवाते रहते हैं। व्यर्थ में इस शरीर का अहंकार बस हम ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं जो उचित नहीं है, मात्र अहंकार के बस। क्योंकि आपने देखा तो आपको अगर यहां पर जेल में होता भी है तो केवल उस 2 मिनट के लिए जो गुस्सा आया आपको उसका पश्चाताप होता होगा, होता ही नहीं होता है कि काश मैं उस समय अपने आप को कंट्रोल कर गया होता, उस बात को मैंने बड़ी को छोटा बना दिया होता, मन में सोच लिया होता कोई नहीं, हो गया तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये करके उसको माफ कर दिया होता, क्षमा कर दिया होता, मेरे अंदर रहम भाव होता तो आज मैं यहां नहीं बैठा होता, अपने बीबी बच्चों के पास बैठा होता। तो सोचो कि हमारे अंदर सबको हमें पता है अच्छाई क्या है बुराई क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम क्यों नहीं ला पाते हैं, हमें क्यों आवेग आ जाता है, हम क्यों इतने उत्तेजित हो जाते हैं, क्यों हम आक्रामक हो जाते हैं कि अपनापन भूलकर जो कभी अपने ही थे जिनकी हम खुद पालना भी करते हैं, कभी कभी गुस्से के बस इतने क्रोधी हो जाते हैं, उसको इतनी बात में चाहे पछता रहे हो इतनी सजा दे देते हैं। तो कारण क्या है कि हम स्वयं को भूल जाते हैं, हम देह अहंकार में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम ये अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। एक महान भूल में हम सभी जी रहे हैं, ये शरीर हम है नहीं, जिसका हमें अहंकार है इस देह का, ये देह तो मेरे से जब छूटेगी मुझसे पूछा भी नहीं जाएगा, पूछेगा मेरे से भगवान कि आज ये मैं जो मैंने तुझे लोन पर ये शरीर दिया था मैं आज इसको लेने वाला हूं, पूछा जाएगा आपसे। तो सोचो जिस चीज जो लोन की चीज मुझे मिली हुई है जिसका मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है, पता नहीं किस क्षण मेरे से छीन ली जाए और उस चीज पे मैं ऐसे अहंकार बस काम क्रोध बस अधिकार जमाए बैठा हूं, मैं ये हूं मैं ये हूं मैं करता रहता हूं। तो परमात्मा से बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने इस देह भान की मैं की बलि चढ़ा दो। तो कौन कौन है कि जो इससे अपने मैं पर की अहंकार बस जो देह के भान में रहकर मैं करके मैं करते हैं, तभी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 भूत आक्रामकता हमारे अंदर, ये हमारे नहीं है, क्योंकि हमारे होते तो हमें हमेशा गुस्सा आना चाहिए ना। अगर लालच मेरा है तो मुझे हमेशा लालच आना चाहिए, हर समय लालच नहीं होता ना मेरे अंदर, हमेशा गुस्सा नहीं होता ना, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। आप 1 घंटा गुस्सा कर सकते हो, 5 घंटा गुस्सा कर सकते हो, उसके बाद भी क्या कहते हो यार 1 मिनट तो शांति से बैठने दो ना। तो क्यों हम शांति मानते हैं, क्योंकि हमारा स्वधर्म गुस्सा करना नहीं है। जैसे पानी का स्वधर्म होता है शीतल रहना, आप उसे कितना भी गर्म कर लो छोड़ दो तो वो अपनी नॉर्मल अवस्था में शीतल हो जाता है ना, कितना भी ठंडा कर लो बर्फ बना दो छोड़ दो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो उसी प्रकार हम सभी, ये शरीर नहीं है, ये नश्वर शरीर हमारा कपड़ा है, और इस कपड़े का इस लौंग की चीज का कैसा है का, हम कौन है, सभी एक चैतन्य आत्माएं हैं, और आत्मा सभी उस परमात्मा पिता की संतानें हैं। तो सोचिए जब वो हमारा सबका पिता एक है, क्योंकि आत्मा शरीर का पिता अलग अलग है भी है, लेकिन उन आत्मा का पिता हम सबका पिता एक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो किस नाते से भाई भाई है, क्योंकि मुझ आत्मा का पिता रूह का पिता सोल का पिता वो एक है। तो जब हम सब एक पिता की संतान हैं तो हम में कैसा वैर कैसी नफरत कैसी ईर्ष्या कैसे छल कैसा कपट, ये सब केवल तभी आ रहा है कि मैं अपने आप को भूल जाता हूं। एक पिता का पुत्र कहलाने का अधिकार कब होता है, जब पिता के लक्षण बच्चे में हो, तभी तो कहा जाएगा ना।
तो हम उस पिता के बच्चे हैं जो गुणों में अनंत है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सदा सबको सुख देता है। इसीलिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता, कि दुखों को हर लेता है। जब भी इस दुनिया के संबंधी हमारा साथ छोड़ देते हैं तो किसके पास जाते हैं? ईश्वर परमात्मा को याद करते हैं किसी ना किसी रूप में। क्यों? क्योंकि उससे हमारा रिश्ता है, जन्म जन्मों का रिश्ता है उससे। तो सोचिए, जब वो शांति का सागर है तो मेरे अंदर भी तो शांति होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उसका पुत्र कहलाने के लायक हूं ना। वो सुख का सागर है तो मेरे अंदर भी दूसरों को सुख देने के भाव होने चाहिए, दूसरों को शांति देने की मेरे अंदर भी क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। वो सहन शक्ति का दाता है, सहन शक्ति आज हमारे अंदर खत्म हो रही है। सहन करने को भी क्या कहा जाता है? शक्ति, क्योंकि वो दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर है। हाँ, मुझ आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ठीक है। तो ये 7 गुण मुझ आत्मा के अंदर हैं, इसीलिए मेरे को शांति चाहिए, स्वच्छता चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हम क्या दूसरों से शांति भी मांग रहे होते हैं, प्रेम भी मांग रहे होते हैं, ना, तो क्यों ना मैं खुद दूसरों को देने लगूं। क्योंकि कहा भी जाता है, जैसा बीज मैं बोऊंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। तो बाबा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जिस चीज की तुम्हारे अंदर कमी हो उसका दान करना शुरू कर दो। तो 2 चीजें सारी दुनिया को चाहिए। क्या क्या चाहिए सारी दुनिया को? सुख और शांति। अंबानी को भी वही चाहिए और एक छोटे से गरीब व्यक्ति को भी वही चाहिए, सुख और शांति। मैं आपसे कहूं 2 किलो बुरा ले आओ तो आप ले आएंगे, मैं कहूंगा 5 किलो शांति ले आओ, 1 किलो सुख ले आओ तो आप ले आएंगे? नहीं आ सकते। तो सोचो, पूरी दुनिया को जिस चीज की जरूरत है सुख और शांति की, उसकी एक भी दुकान नहीं है। लेकिन ये अब पॉसिबल हो गया, अब दुकानें आ गई है। परमात्मा धरती पर आकर जगह जगह अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोले हुए हैं, जहां पर सुख और शांति का भंडार है। उससे कैसे हम आपको अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। कैसे हम अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर की बुराइयों को बलिहार कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो आत्मा कहां रहती शरीर में? कहां रहती शरीर में आत्मा? यहां पर, जहां तिलक करते हैं, ठीक है। आत्मा देखिए, किसी ने नहीं दिखती ना। तो सोचो, जब आत्मा नहीं दिखती तो आत्मा का पिता परमात्मा दिखाई देगा? देगा कोई दिखाई? तो वो आत्मा का पिता है सदाशिव, निराकार ज्योति बिंदु, ठीक है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी शक्तियां, उसके गुण मेरे अंदर आने लगते हैं। हम किसी व्यक्ति को याद कर, धन को याद करेंगे तो लालच आएगा मन में, व्यक्ति को याद करेंगे तो मोह बढ़ेगा मेरे मन में, तो परमात्मा को याद करेंगे तो सुख और शांति बढ़ेगी मेरे मन में। तो सभी कर सकते हैं ना परमात्मा को याद, रोज करते भी हैं। तो आज हम आपको एक तरीका बताएंगे कैसे याद करना है आपको, ठीक है। सभी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। नहीं, वो माइक की बात। अच्छा, सभी आंखें बंद कर लेंगे। कुछ पल के लिए अपने मन को ऑर्डर कर दें कि बाहर की कोई भी बात मेरे मन में ना आए। बाहर की सभी बातों से कुछ क्षण के लिए उपराम हो जाए। देखें मन की आंखों से, अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें, निहारें अपने शरीर को। देखें मेरे मस्तिष्क पर एक छोटा सा प्रकाशमय प्रकाश पुंज सितारा चमक रहा है।
उस सितारे का श्वेत प्रकाश मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल गया है। वो प्रकाश धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। देखते रहे मस्तिष्क में चमकते हुए उस पुंज सितारे को। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारा हूं, इस शरीर का मालिक हूं। ये शरीर प्रभु की अमानत है। देखें कि मेरे मस्तिष्क पर जो चमकता हुआ सितारा है वो उड़ता हुआ ऊपर छत की ओर जा रहा है। इस छत से भी पार ऊपर बादलों में पहुंच गया है। देखे उड़ते हुए उस चैतन्य सितारे को। मैं आत्मा बादलों से भी पार, चांद तारों से भी पार उड़ती जा रही हूं। पहुंच गई हूं एक लाल प्रकाश की दुनिया में। देखे मन की आंखों से एक लाल गहरे रंग का प्रकाश, एक असीम शांति का भंडार, एक अनोखी सी दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। मैं सितारा उस दुनिया में भ्रमण कर रहा हूं। पहुंच गया हूं एक हजारों सूर्य के समान तेजो में प्रकाश पुंज के पास। वो बहुत शक्तिशाली तेजो में पुंज है। उस पुंज से शांति की, सुख की, प्रेम की किरणें मुझे आत्मा में समाने लगी है। महसूस करें मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूं। मेरा मन सुमन हो गया है। मेरे अंतर जगत में प्रेम वास करने लगा है। मेरे अंदर की सारी बुराइयों का नाश हो रहा है। मेरा मन का दर्पण एकदम साफ और क्लीन हो गया है। मेरी बुद्धि स्वच्छ और तेज होती जा रही है। मेरा रोम रोम शांति से भर गया है। मुझ सितारे की चमक और भी शक्तिशाली हो गई है। मैं सितारा उस प्रकाश पुंज से अलविदा कहकर नीचे की ओर आ रहा हूं। बादलों से भी नीचे, इस छत से भी नीचे। देखें अपने शरीर को, मस्तिष्क में इस शरीर में प्रवेश कर गया हूं। मेरा पूरा शरीर, मेरी एक एक कर्मेंद्री बिल्कुल शांत और शीतल हो गई है। मेरे मन में शुद्ध विचारों का प्रवाह बढ़ गया है। मुझसे शांति और सुख की तरंगे निकल के इस सारे सभागृह में फैल रही है। और मेरी शांति की तरंगे मेरे पूरे देश में फैल रही है। सब में आपस में भाईचारा बढ़ रहा है। धीरे धीरे अपने मन को देखते रहे।
देखें उन लोगों को जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, उन सभी को अपने हृदय पर हाथ रखकर क्षमा कर दे, जिन्होंने मुझे कभी भी कष्ट दिया हो उनको दिल से क्षमा कर दे, और मैंने जिनको दुख दिया हो उन सभी से सच्चे मन से माफी मांग ले, मुझे क्षमा कर दो प्यारी आत्माएं। मैंने अज्ञानता के बस, क्रोध के बस आप सबका दिल दुखाया, मैं अंदर से बुरा नहीं हूं, बुराई ने मुझसे गलत कराया, प्यारे परमात्मा से भी क्षमा मांग ले कि जीवन में सदैव दूसरों को सुख शांति का प्रण ले ले कि सदा सबको सुख दूंगा, प्रेम दूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, थैंक यू।